क्विकली कुकिंग मॉम के साथ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर विद काजू, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 200 ग्राम पनीर जो मैंने क्यूब्स खरीदे हैं, थोड़े से काजू, 3 बड़े टमाटर जिसको मैंने रफली चॉप किया है, 2 बड़ी प्याज जिसको मैंने रफली चॉप किया है, 10-12 लहसुन जिसको मैंने छील लिया है, 2 बड़े अदरक के टुकड़े जिसको मैंने रफली चॉप किए हैं, 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने ट्रायंगल में कट किया है, 1 छोटी शिमला मिर्च जिसको मैंने ट्रायंगल में कट किया है। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगा स्वाद अनुसार नमक, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, 2 बड़े चम्मच किचन किंग मसाला, 2 बड़े चम्मच लाल मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सूखी कस्तूरी मेथी। आइए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है, जिसमें हम लहसुन डाल के उसको फ्राई करेंगे। अदरक, इन सबको हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। काजू, प्याज, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। प्याज है वो सुनहरी हो गई है, अब हम उसमें टमाटर डालेंगे। हाई फ्लेम पर इसको भी हम पकाएंगे। दस मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद हमारे टमाटर हैं वो पक गए हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। इन सबको हम मिक्सर जार में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। इन सबको ठंडा होने के बाद हम पीस लेंगे। इन सबको मैंने ठंडा होने पर पीस लिया है। एक कढ़ाई में हम 5 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। पनीर के क्यूब्स को अब हम तल लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको तलेंगे। पनीर है वो सुनहरे हो गए हैं, अब उसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तेल में हम 2 तेज पत्ते डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च, 0 प्याज जो मैंने ट्रायंगल में कट की गई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे जिसको मैंने ट्रायंगल में कट किया हुआ था। इन सबको हम 5 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। नमक,
कस्तूरी मेथी, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मसाला और हाँ हमारा स्पेशल किचन किंग मसाला। इन सब को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें जो प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे। इन सबको हम ऊपर तेल आने तक फ्राई करेंगे। हमारी ग्रेवी में तेल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और 5 मिनट ढककर पकाएंगे। हमारी सब्जी में तेल है वो ऊपर आ गया है। इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम एक कड़छी में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गार्निश करने के लिए हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। पनीर को कद्दूकस करके हम इसको सर्व करेंगे। लग रहा है ना एकदम बढ़िया। दोस्तों इसको जरूर ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।